हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? गाइस आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस क्या आप भी एक एफडी क्रिएट करना चाहते हैं? क्योंकि गाइस यहाँ पर किसी किसी भाई का सवाल होता है कि हम अपना पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें ताकि सेफली ज़्यादा पैसे हो सकें। क्योंकि किसी भाई का सवाल होता है कि हम अपने पैसे को ब्याज पर नहीं उठाते। किसी भाई का सवाल है कि हम डिजिटली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क होते हैं। आपको लगता है कि बिना रिस्क के, यानी कि विदाउट एनी रिस्क के, आप पैसा कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप जब चाहें तब आप यहाँ पर पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सको और विद यहाँ पर इंटरेस्ट रेट के। तो पर मैं आपको एक अच्छी सी स्कीम बताने वाला हूं जो कि आपको बोल सकते हो एफडी, यानी कि और आपका जो एफडी इंटरेस्ट रेट है काफी ज्यादा, यानी कि 8.5% के सब तक आपको मिलने वाला है। आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है और यहां पर मैं भी आपको दिखाऊंगा मैंने कितनी एफडी की हुई है, कितने रुपए की हुई है, किस चीज में की हुई है, यहां पर कहां पर एफडी की हुई है। और मैं यहां पर रिडीम भी कर लेता हूं विदाउट एनी चार्जेस के, यहां तक कि मुझे इंटरेस्ट रेट भी मिलता है। तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है, आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और ये भी बताऊंगा मैंने इस चीज़ में इन्वेस्ट क्यों किया है। तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसे ही आने वाले समय में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम डालते रहेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेरीज या सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसको कमेंट कर रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। चलिए गाइस यहाँ पर विदाउट देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं मोबाइल ले लेता हूँ। आपको मोबाइल में हो सकता है अच्छे से फोकस नहीं हो पाए, एडजस्ट कर लेना। वैसे मैंने फोकस को इनेबल कर दिया है। अब सिंपली आपको जाना है एक पेटीएम की एप्लीकेशन में। गाइस यहाँ पर आपको पेटीएम का नाम सुन के भाग नहीं जाना, आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है क्योंकि मैं आपको अपनी एफडी भी रिवील कराने वाला हूँ और आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या फायदे हैं। जैसे आप पेटीएम पेमेंट बैंक में आओगे, यहाँ पर आपको बैंक में चले जाना है। आपको पता है अगर आपके पास पेटीएम है तो पेटीएम पेमेंट बैंक भी होगा, नहीं है तो आपको क्रिएट कर लेना है, यानी कि आईडी वगैरह लगा के। आप देख सकते हो मेरी जो फिक्स डिपॉजिट है, यहाँ से देख सकते हो एफडी ये मेरी यहाँ पर है, यानी कि जो मेरी एफडी है 4,13,288 रुपये की है और मेरा इंटरेस्ट रेट है वो आई होप आपको फोकस हो रहा होगा, मैं करा देता हूँ 11,282 रुपये यहाँ पर मेरा इंटरेस्ट रेट बना हुआ है। सोचो गाइस यहाँ पर, और 11,000 ये 6 मंथ में हुआ है, आने वाले 6 मंथ में लगभग मेरा इंटरेस्ट रेट है वो 25,000 से 30,000 हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है इंटरेस्ट रेट जो बनता है ना वो किस हिसाब से बनता है, बढ़ता जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, 7 दिन में 3.5% में आता, 195 दिन में 5.5% मिला था, ऐसे ही करके 5.5 यानी कि 6% तक मिलेगा। आपको भाग नहीं जाना 6% का नाम सुन के। बट ये मेरी ओल्ड एफडी है 6 मंथ पुरानी, इसलिए मैं आपको इंटरेस्ट रेट दिखा रहा हूँ। अगर आज आप एफडी क्रिएट करते हो तो आपको 7.75% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट मिलेगा। एंड यहाँ पर मैं आपको एक ऑफर भी दिखा देता हूँ, आपको बैक आना है एंड आपको नीचे आना है, सॉरी जैसे आप पेमेंट बैंक में आओगे आपको सबसे नीचे आना है और यहाँ पर देख सकते हो आपको दो ऑफर दिखाई देंगे, एंड नाउ मल्टीपल योर सेविंग फास्टर, इस पर आपको क्लिक करना है। देख सकते हो 7.75% फिक्स ओपन फिक्स डिपॉजिट पर, तो ये ऑफर यहाँ से आप इंटरेस्ट रेट ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकते हो। एंड यहाँ पर भी एक होगा, अब पे करो एफडी बैलेंस से, यानी कि आप बैलेंस से। गाइस इसमें सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगा, अगर आप एक नॉर्मल यूजर सिटीजन है तो आपको 7.75% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, आप 8% मान सकते हो। अगर आप एक सीनियर सिटीजन यानी कि 50 साल से आपकी उम्र ज़्यादा है तो आपको 8.25% 8% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा एफडी करने पर। तो आपका एफडी इंटरेस्ट रेट है यहाँ पर ऑटोमेटिक दिखाई दे जाएगा। अगर आपकी जो 50 साल से ऊपर का अकाउंट बना हुआ है ऑटोमेटिक यहाँ पर दिखाई देगा जैसे आप एफडी क्रिएट करने जाओगे कौन कौन से हिसाब से मिलेगा। आप यहाँ पर टेबल वगैरह बेनिफिट भी देख सकते हो। मिनिमम एफडी आप 100 रुपये से कर सकते हो, जीरो ब्रेकिंग एफडी है, यानी कि आप एफडी को ब्रेक करते हो कोई भी आपको चार्ज वगैरह नहीं देना है। एंड पे यूजिंग एफडी, आप एफडी से ही सेंड मनी भी कर सकते हो। बुक एफडी प्री रेट्स, जो रेट चल रहा होगा उस हिसाब से आपकी एफडी ब्रेक होगी। ऑटोमेटिक फिक्स डिपॉजिट है, आप चाहें तो ऑटोमेटिक भी सेट कर सकते हो। सबसे पहली बात यहाँ पर देख सकते हो मेरा एफडी है, ज़्यादा से ज़्यादा आप हाई अमाउंट को एफडी कर सकते हो पेमेंट बैंक में। दूसरी बात यहाँ पर डेली बाई डेली यहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट बनेगा, यहाँ पर देख सकते हो 11,282 हो चुका है मेरा। आपका जितना भी बनता जाएगा रोज यहाँ पर डेली देख पाओगे, आप सब कुछ देख पाओगे। एफडी को ब्रेक करना है यहाँ से कर पाओगे, कितना ब्रेक करना है वो भी चूज कर पाओगे। जैसे कि आपको 100 रुपये या 200 रुपये की जरूरत है, आपको ओनली टाइप करना है 100 और यहाँ से आप प्रोसीड करोगे, ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। और जितना 100 रुपये पे आपका इंटरेस्ट रेट बनना होगा इंटरेस्ट रेट के साथ ट्रांसफर होगा, ये भी बहुत ही अच्छी बात है। कोई भी बैंक या कोई भी सरकारी या प्राइवेट बैंक आपको ये फैसिलिटी नहीं देती। जब भी आप एफडी को ब्रेक करोगे तो सबसे पहली बात तो आपका इंटरेस्ट रेट है वो माइनस हो जाएगा और आपको 1% यहाँ पर चार्ज भी देना पड़ सकता है क्योंकि आपने टाइम से पहले एफडी ब्रेक कर ली। बट ऐसा इसमें कोई भी नियम नहीं है, आपके 100 रुपये हैं यानी कि कम से कम भी ब्रेक कर पाओगे, प्लस 100 रुपये पर जितना आपका इंटरेस्ट बनना होगा वो देख सकते हो 4 रुपये, वो भी यानी कि आपके बैंक में जब क्रेडिट करोगे 104 रुपये ट्रांसफर हो जाएंगे। और यहाँ पर आपकी एफडी है वो भी यहाँ पर कोई भी चार्ज आपको देना नहीं पड़ेगा ब्रेक करने पर, इसमें आप एफडी कर सकते हो।
और यहाँ पर आपको देख सकते हो फिक्स डिपॉजिट दिखाई दे जाएंगे, मेरी कितनी फिक्स डिपॉजिट है, कितनी बार आप मल्टीपल बार यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट कर पाओगे। 100 रुपये आपके पास 200 रुपये पर डे आ रहे हैं तो आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो। प्लस यहाँ पर इंटरेस्ट रेट देख सकते हो, मैंने 4,13,288 रुपये इन्वेस्ट किया था, सबसे पहली बात आप देख सकते हो। दूसरी बात, जो मेरी करंट वैल्यू पैसे की 4,24,570 रुपये, यानी कि मैं इस एफडी को टोटली ब्रेक करता हूँ तो मेरे ऑटोमेटिक अकाउंट में 4,24,570 रुपये पहुँच जाएंगे। अगर मैं इस एफडी को रुके रहने देता हूँ टाइम होने तक, पूरा टाइम होने तक, तो 4,38,263 रुपये हो जाएंगे मेच्योरिटी अमाउंट, देख सकते हो आप। तो आप इसमें बहुत सारे फायदे हैं एंड इंडसइंड बैंक के साथ इसकी पार्टनरशिप है, तो आपको टेंशन नहीं लेना कि बैंक भाग जाएगी, आपको सारे कुछ यहाँ पर मिलते हैं। जैसे ही आप एफडी करोगे सारे एफडी वगैरह के नंबर मिलते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। इस एफडी के ये फायदे हैं एंड यहाँ पर देख सकते हो आप सिलेक्ट भी कर सकते हो, जैसे कि आपके बैंक में 4,000 रुपये होंगे, 3,000 रुपये होंगे, उससे ऊपर का आप बैलेंस डालोगे तो ऑटोमेटिक एफडी में ट्रांसफर हो जाएगा, ये भी आप सुविधा लगा सकते हो यहाँ से। तो ये है इसके फायदे। पासबुक आपको मिल जाएगी, देख सकते हो मैंने 100 रुपये ब्रेक किए थे, 100 रुपये के साथ मुझे 2 रुपये का इंटरेस्ट भी मिला था, यानी आप सोच सकते हो 100 रुपये पे का ही इंटरेस्ट मिलेगा, बट 2 रुपये मिला था उसमें वो भी क्रेडिट हो चुका है। 10,000 रुपये मैंने ब्रेक किए थे, 95 रुपये यहाँ पर इंटरेस्ट मिला था, यानी कि आपको इंटरेस्ट भी मिलता है और कोई भी चार्ज आपको देना नहीं पड़ता, यानी कि टाइम से पहले आप एफडी को ब्रेक करते हो तब भी आपको कोई चार्ज नहीं देना, और जितना आप एफडी ब्रेक करना चाहें उतना कर सकते हो, 100, 200, 5,000, 2,000, 10,000, 20,000, 30,000। तो आपको ये नहीं सोचना है कि हमारी एफडी 1 लाख की तो 1 लाख की डायरेक्टली ब्रेक होंगी, ये भी इसमें फायदा हो जाता है। तो जल्दी से जाओ पेटीएम फिक्स डिपॉजिट में एफडी करो एंड इंटरेस्ट रेट है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा कमाओ, पर डे आप चेक कर पाओगे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, पर डे आप एफडी को ब्रेक अनब्रेक कर पाओगे, जो भी आपको करना है यहाँ पर आपको सारी फैसिलिटी मिल जाती है। कोई भी सवाल आपका कमेंट कर सकते हो, मेरा इंटरेस्ट रेट देखते हो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है, 11,282 लगभग मेरा इंटरेस्ट रेट है, 6 मंथ का ही हुआ है, 6 मंथ का आपको दिखा रहा हूँ, तो 6 मंथ का आप सोच सकते हो कितना अर्निंग हो चुका है। एंड अगले 6 मंथ में ये नहीं है कि 11,000 बना तो अगले 6 मंथ में 11,000 ही बनेगा। सबसे पहली बात यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ, देख सकते हो अभी 11,000 बना तो इसका रीजन होता है हमारा इंटरनेट चलता है ना वो 3.5% से चलता है एंड अभी 5% तक ही मिला है। जैसे आपके दिन ज़्यादा होते जाएंगे आपका इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि 5.75% तक मिलेगा, फिर 6% तक मिलेगा। बट आप एफडी करोगे अभी तो आपको पता है अभी का इंटरेस्ट रेट है काफ़ी ज़्यादा हाई चुका, क्योंकि पता आपको महंगाई ज़्यादा बढ़ रही थी, सभी बैंकों ने एफडी के रेट बढ़ाए थे। तो आप नई एफडी क्रिएट करोगे 7.75% के हिसाब से मिलेगा 1 साल का, 365 दिन का आपको ये बेनिफिट मिल जाता है अगर आप नई एफडी करते हो 6 मंथ में। मेरे 11,000 बने, आपके हो सकता है 15,000 बन जाए, क्योंकि आपका आज का इंटरेस्ट रेट है वो लगभग 8% आपको मिलेगा, मुझे मिला था 6% के हिसाब से, तो का लगभग आपको 2% एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पर ये है इसका फायदा, तो जल्दी से जाओ एफडी करो। एंड मैं अगर आप एफडी को ब्रेक करके दोबारा एफडी करता हूँ तो आपको पता है इंटरेस्ट रेट है वो 3.5% से स्टार्ट होगा, इसीलिए मैं 1 साल होने के बाद ही दोबारा से एफडी करूंगा, इसकी वजह से मैंने एफडी को ब्रेक नहीं किया है। तो जल्दी से जाओ आप भी इसका फायदा उठा सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच आज की वीडियो में, बस इतना ही।